use judiciary as a stepping stone to make an image for yourself, conduct yourself in a manner, and then to go into politics is something that's even more worrisome. But these are clear-cut cases of corruption. What else is this if not corruption? What Justice Gangopadhyay has done goes against the code of conduct of judges. He had been a judge and had he been talking to a political party, that's clear violation of the code of conduct. I think nobody is now left with courage, the Chief Justices particularly of various high courts or the Supreme Court, to take any action against their brother or sister. Chief Justice of India did. Namaskar, Mahu Ranjit Jha. संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप झेल रही मोदी सरकार पर जुडिशरी को भी कंट्रोल करने के गंभीर आरोप लगते जा रहे हैं और जिस तरीके से जजों को प्रलोभन देकर सत्ता में बड़ी भागीदारी या फिर ऊंचे ऊंचे पद सौंपे जा रहे हैं, इसको लेकर अब जहां एक ओर जजों ने बोलना शुरू किया है, जो सिटिंग जज हैं वो भी सरकार के रवैये से परेशान हैं, तो वहीं पूर्व जज तो निशाना साध ही रहे हैं। लेकिन धाकड़ वकीलों की एक बैठक में दुष्यंत दबे और मीनाक्षी अरोरा ने जिस तरीके से जजों पर निशाना साधा है और जुडिशरी की पोल खोल की है, एक तरीके से इन धाकड़ वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को जागरूक करने की कोशिश की है, उन्हें झकझोरने की कोशिश की है कि आपके आंखों के सामने जुडिशियरी में ये हालात हो गए कि जज इस्तीफा देकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं और मोदी सरकार जुडिशियरी को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और यहाँ जज पद के लालच में सरकार के फेवर में फैसले देकर पूरे देश को हैरान कर रहे हैं और जुडिशियरी पर से भरोसा डगमगाने जैसे हालात भी पैदा कर रहे हैं। इन लोगों ने क्या कुछ कहा है अभी हम आपको उनके बयानों के जरिए सुनाएंगे, समझाएंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से जुडिशरी इस वक्त सबसे खराब दौर से गुजर रही है। कपिल सिब्बल अपने प्लेटफॉर्म पर दुष्यंत दबे और मीनाक्षी अरोरा प्रशांत भूषण को बुलाए थे। दुष्यंत दबे बेहद ही खुले अंदाज में बेबाकी से बोलने के लिए, कड़े तेवर के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने एक लाइन से कई जजों के नाम गिना दिए, कई चीफ जस्टिस के नाम गिना दिए, जिन्होंने न सिर्फ जुडिशियरी को यह मैसेज दे दिया है कि आप सरकार के हक में फैसला करो तो सरकार आपको बड़े बड़े पद देगी, वो हैरान हैं। और जस्टिस गंगोपाध्याय जो इस वक्त बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं और ममता सरकार को परेशान करते रहे अपने मात्र 5 साल के जजशिप के करियर में और इस जुडिशरी का इस्तेमाल एक टूल किट के तौर पर किया अपनी इमेज बनाने के लिए और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए, इन सब मामले को लेकर इन धाकड़ वकीलों ने बहुत बड़ी बातें कही। तो इसकी शुरुआत जो है हम दुष्यंत दबे से करते हैं। दुष्यंत दबे ने इस मामले में जो सबसे पहले कहा, ये जज सब कर क्या रहे, सरकार के फेवर में फैसला इस उम्मीद में दे रहे हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ बाद में रिवॉर्ड मिलेगा और मिल रहा है, सबके नाम गिना के। जरा सुनिए। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग एंड आई थिंक व्हिच इज व्हाट पीपल मस्ट अंडरस्टैंड दैट इफ यू डू नॉट हैव फियर्सली इंडिपेंडेंट जुडिशरी देन देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन दिस कंट्री एंड डेमोक्रेसी इज एट पेरिल। बट फॉर जजेस टू हार्बर पॉलिटिकल रिवॉर्ड्स एंड इन द होप ऑफ दोज रिवॉर्ड्स to conduct themselves as judges on the bench is something which has only developed in last few years, beginning with Chief Justice Sadasivam, then came Chief Justice Gogoi, then came Chief Justice Nazir, and now comes Justice Gangopadhyay. All these judges have given judgments after judgments in favor of the ruling party at the center, the Bharatiya Janata Party, and have been rewarded. Judges are sending a clear-cut message to the judiciary across the country that you toe in line, you do what the party in power wants you to do, and you will be rewarded. Now, what is worrying me is that how far these judges were in touch with the party in power, how far they were talking to them to compromise their judgments. तो सुना आपने, दुष्यंत दबे ने और भी गंभीर बातें कही। उन्होंने तो कहा है कि यह एक तरीके से करप्शन का मामला है। प्रशांत भूषण भी कहते हैं यह तो साफ तौर पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट
का मामला भी बन जाता है। कैसे कोई यह जज कह सकता है कि वो किसी अमुक पॉलिटिकल पार्टी से टच में था, यानी कि आप जिस पोस्ट पर बैठे थे वहां रहते हुए कोर्ट के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ टच में रहकर क्या उस पार्टी को फेवर पहुंचा रहे थे? तमाम ऐसे गंभीर मामले। हम दुष्यंत दबे या प्रशांत भूषण की बातों को आपके सामने रखें, उससे पहले यहां सीधे एंट्री करनी होगी मीनाक्षी अरोड़ा की। उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ ज्यादा ही चिंतित हूं, जुडिशियरी में इस तरीके से जो गिरावट आई है उसके पीछे अब जुडिशियरी को यूज किया जाने लगा है। आप जरा गौर कीजिए कि जस्टिस गंगोपाध्याय के करियर पर वो चर्चा करते हैं कि महज 5 से 6 साल का जजशिप का करियर है उनका, और वो इस दौरान ताबड़तोड़ ऐसे डिसीजंस ले रहे थे, फैसले ले रहे थे, ओपन स्टेटमेंट जारी कर रहे थे इस उम्मीद में कि जुडिशियरी को एक रास्ता, एक सीढ़ी बनाकर वो अपनी छवि चमका सके। और यह बहुत खतरनाक है कि कोई जज सिर्फ इस उम्मीद में बनता है कि वो जुडिशियरी का इस्तेमाल करके अपनी छवि चमका ले और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले, यह बेहद ही खतरनाक। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं धाकड़ वकील मीनाक्षी अरोड़ा, जो कि जजशिप के ऑफर को ठुकरा चुकी हैं। आई थिंक जस्टिस गंगोपाध्याय केम टू द बेंच ओनली सम टाइम इन द ईयर 2017 और 18 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सो हिज टेन्योर इज प्रिसाइजली जस्ट अबाउट 5 years। पास्ट, लेट मी से पॉपुलिस्ट ऑर्डर्स इफ आई मे कॉल इट, बिकॉज हिज ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स गॉट स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो इफ यू हैव अ जज हु शोज दैट इंक्लिनेशन ऑन द बेंच trying to take it to a populist level, garner that populist image, I am the one who's doing the right thing, I am setting the systems right, and then you resign within a span of just 5 years and you enter into the politics. This kind of a thing, to use judiciary as a stepping stone to make an image for yourself, conduct yourself in a manner, and then to go into politics is something That's even more worrisome. And I... तो सुना आपने, यहां से अब हम बात करेंगे दुष्यंत दबे की एक बार फिर से। दुष्यंत दबे यहां कहते हैं कि जिस तरीके से जजों ने सरकार के हक में फैसले दिए और बदले में पद पाए हैं, अब यह मामला सीधे तौर पर करप्शन का है। वो कपिल सिब्बल से कहते हैं कि आप कानून मुझसे ज्यादा बेहतर इन मामलों में समझते हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे जज जो सीधे तौर पर इस तरीके से सत्ता की मदद करते हैं और बदले में पद पाते हैं, वो कहीं ना कहीं करप्शन कर रहे हैं। जरा सुनिए यहां दुष्यंत दबे ने क्या कुछ कहा है। यू नो दिस ब्रांच ऑफ लॉ मच बेटर देन आई डू, बट दीज आर क्लियर कट केसेस ऑफ करप्शन। व्हाट एल्स इज दिस इफ नॉट करप्शन, that you are sitting on a bench, you are talking to a political party, giving them judgments, in discussion with them as per their requests, as per their suggestions, and then as soon as you step down, you are rewarded with a very important position. So, I mean, this is ultimately, it's really the lowest thing that can ever happen to a judge. तो सुना आपने, इसके बाद एंट्री होती है प्रशांत भूषण की। प्रशांत भूषण कहते हैं कि वाकई में यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला बन जाता है कि कोई जज कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टीज के टच में रह सकता है। अगर वो ऐसा कर रहा था और फिर रिटायर होने के 24 घंटे के भीतर उसी पार्टी को ज्वाइन करता है जिसके बारे में वो बखान कर रहा था, तो इससे यह साफ मैसेज चला जाता है कि कोलकाता हाईकोर्ट में रहते हुए जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने न सिर्फ वहां की सरकार को परेशान करना जारी रखा और बीजेपी सरकार की मदद में वो ताबड़तोड़ फैसले करते रहे ताकि उन्हें आगे चलकर पॉलिटिकली काफी फायदा पहुंच सके, तो यह एक तरीके से कोर्ट के नियमों का ही बहुत बड़ा उल्लंघन बनता है। जरा देखिए, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत भूषण। इट इज अ केस वेयर ही रिजाइन्स एंड इमीडिएटली जॉइंस अ विदिन 48 आवर्स जॉइंस अ पॉलिटिकल पार्टी and then admits that he was in touch while he was a judge with that political party. Tekarun Mishra, who was given chairmanship of the National Human Rights Commission, gave any number of judgments in favor. And the Lokpal now. And now the current Lokpal, Justice Khanwilkar, who gave any number of judgments in favor of the government. This is a very, very serious problem. In fact,
जस्टिस गंगोपाध्याय देन गोज अगेंस्ट द कोड ऑफ कॉन्डक्ट ऑफ जजेस बिकॉज एंड इफ ही हैड नॉट रिजाइन बट हैड ही बीन ए जज एंड हैड ही बीन टॉकिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी दैट्स क्लियर वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ आई मे आस्क तो सुना आपने प्रशांत भूषण यह भी कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम जो है ठीक है इसमें यह कहा गया कि हम जजों को निष्पक्ष तौर पर चुनेंगे सरकार की भूमिका इसमें ना हो तो ज्यादा बेहतर है प्रशांत भूषण के साथ साथ कॉलेजियम को लेकर दुष्यंत दबे भी कहते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम लाया गया था उद्देश्य ठीक था लेकिन बीते कुछ वर्षों में सबसे वर्स्ट अपॉइंटमेंट जजों के हुए हैं और ऐसे जज सरकार के फेवर में काम कर रहे हैं। वैसे तो हमने आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाए हैं जिसमें कुछ धाकड़ जजों के नाम भी लिए जो सरकार से तनिक भी नहीं घबराते जस्टिस बीबी नागरत्ना हो या फिर जस्टिस बीआर गवई हो जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस उज्जवल भुइया जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज बने जस्टिस इस वक्त विश्वनाथन भी हैं जो कड़क फैसले के लिए जाने जाते हैं तो ऐसे जजों की भी एक फहरिस्त है जिनके पास अक्सर सरकार के केस आते ही नहीं और जिनके पास आते हैं वो सरकार के फेवर में फैसला करते हैं और विपक्ष के नेताओं को आज तक जमानत के लिए चक्कर लगाना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तो चुनाव में भी इसका इस्तेमाल करने लगे कि सत्ताधारी दलों के बड़े नेताओं को तो जेल भेज दिया है अब वो जमानत के चक्कर लगा रहे हैं। तो खड़गे साहब कहते भी हैं कि कोर्ट भी तुम गवाह भी तुम दलील भी तुम तो भाई जिसका सब कुछ है उसे क्या दिक्कत है वो तो जो चाहेगा वो करेगा उसे कोई रोक सकता है क्या। इस वजह से कपिल सिब्बल यहां समझाते फिरते हैं कि जुडिशरी में अगर जजों का अपॉइंटमेंट हो तो उसमें अगर देखा जाए तो कायदे से वो केन्या दक्षिण अफ्रीका यूके जैसे देशों की तुलना करते हुए कहते हैं कि वहां एग्जीक्यूटिव का कोई काम ही नहीं है सरकार की कोई भूमिका नहीं है कि जज कौन होगा। जज नियुक्त करने के लिए इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो जजों को नियुक्त करती हैं और तय किया जाता है कि वो सब जज निष्पक्ष होंगे। तो ऐसे में यह धाकर वकीलों ने जो चिंता जताई है जिन मुद्दे पर उन्होंने गंभीरता से अपनी बातें रखी हैं वो कहीं ना कहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को परेशान कर सकते हैं कि उनके ही सामने मोदी सरकार ने कैसे जुडिशरी का पूरा इस्तेमाल कर लिया और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कुछ कर भी नहीं पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।